घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा। आखिर किस मुश्किल में फंसी पुष्पा? क्या रिलीज से पहले ही आई कोई रुकावट? अब क्या काटने होंगे कोर्ट के चक्कर? So hello and welcome to your favorite YouTube channel Bollygrass Studios. और मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा इस हफ्ते 17 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। फिल्म पैन इंडिया बेसिस पर कई अलग अलग भाषाओं में रिलीज की जाएगी। फिल्म के प्रमोशंस बड़े स्टाइल में शुरू हो चुके हैं। हाल ही में फिल्म का समंता फीचरिंग मच अवेटेड गाना कई भाषाओं में रिलीज हुआ है, जिसे तमिल में ओ सोलरिया, तेलुगु में ओ अंतवा नाम से रिलीज किया गया है। ये गाना काफी कैची ट्यून्स वाला है, जिसमें समंथा के डांस मूव्स कातिलाना दिखते हैं। गाने को रिलीज होते ही कई रिव्यूज मिलने शुरू हो गए थे, जिसमें से ज्यादातर लोग गाने और समंथा की तारीफ कर रहे थे। हालांकि इसी बीच इस गाने को लेकर एक ऐसी न्यूज सामने आई है जो आपको शॉक में डाल सकती है। जी हाँ, दरअसल समंथा के इस गाने को लेकर एक मेन एसोसिएशन द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया गया है और इसके खिलाफ FIR भी रजिस्टर कराई गई है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस गाने में ऐसा क्या था जिसकी वजह से FIR तक की नौबत आ गई, या मेकर्स ने किसी के साथ कुछ धोखाधड़ी की है। दरअसल ये FIR गाने के लिरिक्स और वीडियो को लेकर की गई है, जिसके मुताबिक गाने में आदमियों को लस्टफुल और हमेशा लड़कियों के बारे में सोचने वाला इंसान के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि इस एसोसिएशन ने आंध्र प्रदेश कोर्ट में इस गाने पर बैन लगाने तक की भी मांग की है। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी इस केस को फिलहाल खत्म नहीं किया है। अब भाई, ऐसे में फिल्म की रिलीज से कुछ समय पहले ही अगर फिल्म कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाएगी तो बातें तो बनेंगी ही, और इस समय इंडस्ट्री में भी इसे लेकर बस बना हुआ है। समंथा की स्पेशल अपीयरेंस वाले इस गाने को देवी श्री प्रसाद ने कंपोज किया है, जबकि इसके लिरिक्स विवेका एंड चंद्र बोस ने लिखे हैं। फिल्म से जुड़ी ऐसी ही कई और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी आने वाली वीडियो। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक खुश रहें, सेफ रहें और बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।